हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो है रूखे और बेजान बालों के लिए। कोई नए फ्रेंड्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन आता है, उसे प्रेस कीजिए। बाद में बेल बटन आता है, उसको भी प्रेस कीजिए। मैं जब कोई भी नया वीडियो रखती हूँ, आपको नोटिफिकेशन से पता चलता है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। रूखे और बेजान बालों के लिए अच्छा सा रेमेडी, छोटा सा रेमेडी, इजी है लेकिन बहुत ही अच्छा काम करता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। पहले एक बाउल लीजिए, अब उसमें डालते हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हेयर के हेल्थ को इम्प्रूव करता है और स्कैल्प को भी हेल्दी से रखता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और शॉर्ट टाइम में हेयर ग्रोथ होने के लिए बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। अब लेते हैं ग्लिसरीन एक टेबल स्पून। ग्लिसरीन एक मॉइस्चराइजर जैसे भी काम करता है, आपके हेयर को सॉफ्ट बनाता है और हाइड्रेट करता है और हेयर को स्ट्रेट भी बनाता है। 10 दिन में एक बार ये नुस्खा ट्राई कीजिए, आपके हेयर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और हेल्दी से बढ़ते भी है। ये डालते हैं एक टेबलस्पून ग्लिसरीन। अब डालते हैं एक टेबलस्पून हनी। हनी और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में लीजिए। हनी एक मॉइस्चराइजर जैसे काम करता है और एक कंडीशनर जैसे भी काम करता है, हेयर ग्रोथ होने के लिए बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। हनी में ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इससे आपके हेयर फॉलिकल्स स्ट्रांग होते हैं और आपके हेयर और स्कैल्प भी बहुत हेल्दी से होते हैं और हेयर फॉल को भी रोक देता है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारा सिंपल सा हेयर पैक रेडी हो गया है। इसे आपके हेयर पे अच्छे से अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद एक 30 मिनट से 1 आवर तक रख सकते हो। बाद में आप शैम्पू से आपके हेयर वॉश कर दीजिए। पहले बार में ही आपको पता चलता है आपके हेयर सॉफ्ट होते हैं और स्मूथ भी होते हैं। ये हो गया पैक, इसे आप हेयर पे अच्छे से अप्लाई कीजिए। 10 दिन में एक बार ये हेयर पैक लगाइए। ये वाला रेमेडी आपके हेयर को स्ट्रांग बनाता है, आपके हेयर को स्ट्रेट भी बनाता है। अब इसे लेके आपके हेयर पे अच्छे से अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद एक 30 मिनट्स या नहीं तो 1 आवर रख सकते हो। बाद में शैम्पू से शैम्पू कीजिए। रूखे और बेजान बालों के लिए ये रेमेडी बहुत ही अच्छा होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। यह है फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे अच्छे से लगाने के बाद एक 1/2 आवर या 1 आवर ऐसे ही छोड़ दीजिए। बाद में शैम्पू से आपके हेयर को वॉश कर दीजिए। 10 दिन में एक बार ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरे वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड्स।